बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों आज जो मैं आपको रेसिपी बता रहा हूँ ना, ये आपने स्किप नहीं करनी, आखिर तक देखनी है। चिकन पुलाव की एक तबाही रेसिपी आपको देने लगा हूँ, बहुत ही शानदार है। तो चलो ये मज़े मज़े की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रहमान रहीम, सबसे पहले ना हमने प्रेशर लेना है। ये झटपट सी रेसिपी मैं आपको प्रेशर की बता रहा हूँ, प्रेशर में हमने ये बनानी है, बहुत झटपट बन जाएगी। आधे घंटे में आप ज़बरदस्त ना चिकन का पुलाव तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हमने 1 किलो चिकन लिया। चिकन शामिल करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे छोटी सी प्याज, 1 पोथी लहसुन की और कुछ टुकड़े हम अदरक के काट कर इसमें शामिल कर देंगे। ये बहुत ही झटपट, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी है कि आपको बहुत पसंद आएगी। 1 टेबल स्पून इसमें हम साबुत धनिया शामिल कर देंगे और इसी तरह अब हम इसमें शामिल करेंगे सौंफ। 1 टेबलस्पून भर के हम सौंफ भी शामिल कर देंगे। बहुत झटपट रेसिपी, बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टफुल बनता है ये पुलाव, यखनी पुलाव। आप यकीन करें, इस तरह से पुलाव बनाएंगे तो आप सारे पुलाव भूल जाएंगे। हमेशा पुलाव फिर ऐसे ही बनाया करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून नमक, लाहौरी नमक शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें हम पानी शामिल करेंगे। इसमें हमने बहुत सारे मसाले शामिल नहीं करने, हमने जस्ट इसकी यखनी बनानी है। तो यखनी बनाने के लिए ये जितने अर्ज़ा शामिल किए काफ़ी है, इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। पानी शामिल कर दिया, अब हम इसको प्रेशर लगाएंगे। 10 मिनट का इसको प्रेशर लगाएंगे और 10 मिनट के बाद आपसे करते हैं मुलाकात। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 10 मिनट गुजर चुके, कवर हमने रिमूव कर दिया है, यखनी पुलाव का कवर हमने रिमूव कर दिया है। कंडीशन ये है, यखनी बहुत अच्छी खुशबू दे रही है, यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। 10 मिनट में गोश्त बिल्कुल गल जाता है, हलवा हो जाता है। इससे ज़्यादा आपने लगाना भी नहीं, वरना चिकन जो है फिर आपको सिर्फ हड्डियाँ ही मिलनी है। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने एक अलग से बर्तन लेना है। फ्लेम ऑन कर देंगे, इसमें शामिल करेंगे हम 1 कप ऑयल। आप ये रेसिपी घी में भी बना सकते हैं, घी में अलहदा मज़ा आता है, ज़्यादा मज़े का घी में बनता है, लेकिन हम यहाँ कुकिंग ऑयल में बना रहे हैं। 1.5 कप तकरीबन ऑयल इसमें हम शामिल कर रहे हैं, 1.5 कप ऑयल इसमें हमने शामिल किया। प्याज शामिल करेंगे, 2 अदद हमने प्याज लिए, बारीक बारीक स्लाइस बना लिए और प्याज को हमने करना है फ्राई। इतनी देर फ्राई करना है कि ये अच्छे से ब्राउन हो जाए। प्याज को मुकम्मल सुनहरा कर लेना हमने, हमारी ब्राउन होती है। साथ ही हम 300 ग्राम टमाटर लेंगे, इसमें 5 अदद सब्ज़ मिर्चें और 5 अदद लिए हमने लाल मिर्चें और ये हम पेस्ट बना लेते हैं। इतने हमने इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाना, बल्कि इसको थोड़ा सा ना हमने दरदरा रखना है, मोटा मोटा सा इसको पीस लेते हैं हम। ये देखें जी, हमने इसका पेस्ट बनाया है, थोड़ा सा मोटा मोटा रखा है, साबुत साबुत इसको हमने पीस लिया, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाया। और प्याज देखें ब्राउन होने वाली है, सोते हो चुकी है, कलर चेंज हो गया इसका। गोश्त हम अलहदा बर्तन में निकाल लेंगे, ये देखें, और यखनी को हमने छान लेना, गोश्त अलहदा बर्तन में निकाल के यखनी को हमने अच्छे से छान लेना है। बस प्याज ब्राउन होना शुरू हो चुकी है, प्याज गोल्डन हो चुकी है। प्याज को सुनहरा होने पर हमने ये शामिल करना है, जिसमें जीरा है और दूसरे खड़े मसाले हैं, बादियान का फूल है, तेजपात पत्ते हैं, सब्जी इलायची है, लौंगे हैं, काली मिर्चें हैं, दालचीनी है और 1 अदद बड़ी इलायची, ये शामिल कर देंगे हम इसमें। ज़ीरा जो है हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून शामिल किया, पुलाव में ज़ीरा ज़्यादा मिकदार में अच्छा लगता है। साथ ही हम अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। क्या ज़बरदस्त इसकी खुशबू हो गई है। और जो हमने टमाटर और हरी मिर्चें मोटा मोटा पीसा था वो सारा शामिल कर देंगे इसमें, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है पुलाव की, आप यकीन करें पूरे मोहल्ले में ये खुशबू जाती है।
और हमारे खाने तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही मशहूर हैं। हमसे अक्सर मोहल्ले वाले पूछते हैं कि बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, क्या पकाया। साथ ही हम इसमें कुछ खुश्क मसाले शामिल करेंगे, जिसमें कुटा हुआ धनिया है, दरदरा मिर्च है, गरम मसाला पाउडर है, चाइना नमक है थोड़ा सा, और सफ़ेद नमक है। ये सब की मकदार जो है, सारे मसाले एक एक टेबल स्पून है, चाइना नमक इसमें एक टीस्पून शामिल किया है, और थोड़ा सा हमने जायफल जवत्री का पाउडर शामिल कर रहे हैं, ये जो कोने में आपको नज़र आ रहा है शामिल कर दें। मिक्स करेंगे, आंच को हमने तेज रखा हुआ है। यखनी को हम छान लेंगे एक अलहदा बर्तन में, इसके जितने भी लवाजमात है ना वो सारे अलग कर लेंगे, लेकिन ज़ाया कुछ नहीं करेंगे। ये देखिए, इसमें आपको अदरक नज़र आ रहा है ना, ये दोबारा हम सारा निकाल के चावलों में डालेंगे, इससे चावल और भी मज़े के बनते हैं। यखनी अलग हो गई, और ये जो लहसुन की पोथी है इसको हम पीसने के बाद दोबारा से चावलों में शामिल करेंगे। मसाला भूनने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे दही। ये देखिए, इसका जो घी है ना वो बिल्कुल अलग हो चुका है। हम इसमें तकरीबन एक पाव दही शामिल कर देंगे, 250 ग्राम के करीब हमने दही इसमें शामिल की। दही शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और एक बार इसकी दोबारा से हम भुनाई करेंगे। मसाला जो है भुन चुका है एक बार दोबारा से। अब इसमें हम शामिल करेंगे जो हमने चिकन गलाया था, जिसकी हमने यखनी बनाई थी ना, वो सारा गोश्त इसमें शामिल कर देंगे। और अब इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है, ये चिकन पहले ऑलरेडी ही जो है ना गल चुका है और ये बिल्कुल रेडी है। अदरक हमने यखनी में इस्तेमाल किया था वही इसमें हम शामिल कर देंगे, और साथ ही इसमें जो लहसुन हमने यखनी में इस्तेमाल किया था उसका छिलका रिमूव करके वो भी हम सारा इसमें शामिल कर देंगे। चार पांच सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे, मुझे तो सब्ज़ मिर्चें पुलाव में बहुत पसंद है। एक बार मिक्स करेंगे इसको, सिर्फ 2 मिनट इसको हमने तेज़ आंच पर ऐसे ही पकने दिया है, यानी कि भुनने दिया, और साथ ही इसमें हम यखनी शामिल करेंगे। यखनी आप अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा, जितने आपके चावल हैं, जितने चावल को पानी की रिक्वायरमेंट है उतने ही आपने यखनी शामिल करनी। ये ना हो कि हम जितनी शामिल कर रहे हैं आप उतनी ही शामिल कर दें और चावल आपके चिपक जाएं, जुड़ जाएं, तो आप पानी जो है अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा चावल की क्वालिटी के हिसाब से। पानी बॉयल होना शुरू हो गया जो यखनी हमने डाली थी ना, साथ ही इसमें हम बासमती राइस 1 किलो शामिल करेंगे। चावल आप अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें जिससे टेस्ट अच्छा बनता। ये कायनात का हम चावल इस्तेमाल कर रहे हैं, बासमती राइस। एक बार इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक की मकदार थोड़ी कम है, हमने पहले कम शामिल किया था तो लिहाजा अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून हमने अब इसमें नमक शामिल किया। एक बार अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि नमक जो है अच्छे से हल हो जाए, तमाम चावलों में यकसा जो टेस्ट है ना नमक का मिक्स हो जाए। पानी इसका ड्राई करेंगे, आंच को हम तेज़ ही रखेंगे, और जब ये ड्राई हो जाएगा पानी तो इसको हम फिर तकरीबन 20 से 25 मिनट का दम लगाएंगे, ज़बरदस्त सा दम लगाना। पानी ड्राई हो चुका है, देखिए यखनी इसकी ड्राई हो गई, अब इसको हम 20 मिनट का दम लगाएंगे। 20 मिनट के बाद आपसे मुलाकात करते हैं, इंशाल्लाह बहुत ही मज़े के चावल बनेंगे, डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त इसकी लुक है, लुक आपके सामने है। चावल बिल्कुल ड्राई हो गए, खिला खिला चावल बना। ये देखें, ये पुलाव जो है ना
यह अच्छा कराएगा सबको इंशाल्लाह। पुलाव जो है डिश आउट करके आपको दिखाते हैं, ये चेक करें आप, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त लुक है। ये पुलाव आप एक बार बनाएं और फिर हमेशा ऐसे ही बनाएंगे आप यखनी पुलाव। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त पुलाव की लुक है। आप ये देखें, आप हमेशा ये वाला पुलाव बनाएंगे जब आप ये वाली रेसिपी एक बार ट्राई कर लेंगे। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।